हम लोग हिंदी व्याकरण के दोनों पक्ष, व्युत्पत्ति और विश्लेषणात्मक पक्ष के विषय में चर्चा कर रहे थे, और वहाँ पर पहले की कक्षा में मैंने आपको भी बताया था कि हिंदी व्याकरण के दो भाग हैं, एक तो व्युत्पत्ति है और दूसरा विश्लेषण है। और व्युत्पत्ति पक्ष का मतलब ये होता है शब्द निर्माणक तत्व। क्या बताया था बोलो? शब्द निर्माणक तत्व, और शब्दों का निर्माण करने वाले चार चीज़ें हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि। फिर उसके बाद में हमने ये बताया था कि जो विश्लेषणात्मक पक्ष है उसके तीन भाग बताए थे, एक तो विकारी, दूसरा अविकारी और एक तीसरा विकारक। और विकारी में चार चीज़ें आती हैं, हम सभी जानते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी जो है उसमें क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। और विकारक माने विकार उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं, जो विकारी माने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में जो विकार उत्पन्न करते हैं वो हैं लिंग, वचन, कारक, काल, वाची और पुरुष। और इसके साथ में हम लोगों ने शुरू करी थी संधि, और आरंभ मैंने यहीं से किया था कि संधि और संधि दोनों शब्द सही हैं। संधि विच्छेद होता है सम और धी। अब यहाँ पर सम में जो म है, यहाँ पर म संबंधी मैंने आपको नियम यहाँ पर सबसे पहले सिखाए थे, याद कीजिएगा पहले की क्लास जो है, म संबंधी नियम। इसके बाद में संधि में मैंने आइए आपको बताया था कि संधि में पूर्व की कक्षा से 5 मिनट में आप लोगों को जोड़ देता हूँ ताकि आप लोगों का जो स्वाध्याय है वो वापस से जागृत हो जाए। दो निर्दिष्ट वर्णों के मध्य संधि होती है, और वो दो निर्दिष्ट वर्ण जो हैं वो कौन से हैं? प्रथम पद का अंतिम वर्ण था और अंतिम पद का प्रथम वर्ण था। तो ये निर्दिष्ट वर्ण का मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, और प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण जब मिलते हैं तो मिलने से उसमें विकार उत्पन्न होता है। और यहाँ से हमारी कक्षा शुरू हुई थी। विकार के मैंने तीन भेद किए थे, आदेश, आदेश में एक चीज़ होती है एकादेश, एक था यहाँ पर आगम और एक था लोप। ये तीन प्रक्रियाएं हैं, और तीनों की तीनों प्रक्रियाएं जैसा कि हम जानते हैं कि व्यंजन संधि से जुड़ी हुई थी। अब देखिएगा, आदेश और एकादेश में मैंने एक उदाहरण दिया होगा या वापस दे देता हूं, वाक और वैभव एक शब्द हैं। अब यहां पर पहले तो हमें यह देखना है कि दो निर्दिष्ट वर्ण कौन से हैं, तो क और व दो निर्दिष्ट वर्ण है। प्रथम पद जो है हमारा वाक है और दूसरा पद जो है हमारा वैभव है। वाक जो है उसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण क हलंत दिख रहा है हमें, और आगे व दिख रहा है, तो क और व जुड़ेगा तो ये शब्द बनेगा वाग वैभव। क्यों बनेगा इसके विषय में अभी हमने चर्चा नहीं करी। उसके बाद में एकादेश मैंने बताया था कि दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण हो जाना, जैसे हिम और आकर शब्द बनता है हिमाकर। मान कि पहला पद और अंतिम पद दोनों जब मिलते हैं तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण दोनों मिलकर के एक नए वर्ण का निर्माण कर लेते हैं, तो वो एकादेश मनी दो के स्थान पर एक हो जाना। आगम बहुत महत्वपूर्ण था यहां पर, याद कीजिएगा पहला मैंने आगम आपको बताया था शागम, मनी कुछ वर्ण होते हैं जिसमें श का आगम हो जाता है, आगम मनी जुड़ जाना। जहां पर 7 शब्द मैंने आपको दिए थे, परिष्कार, परिष्कृत, परिष्कर्ता, परिष्कारक, परिष्कृति और परिष्करण। फिर दूसरा था सागम मनी जिसमें दंत्य स का आगम होता है, तो वो शब्द भी वही थे, संस्कृत था, संस्कार था, संस्करण, संस्कृति, संस्कारक और संस्करण, इस तरह के शब्द थे। और तीसरा महत्वपूर्ण आगम जो था, जहां सामान्यतया विद्यार्थी बहुत अशुद्धियां करते हैं, और वो था चागम व्यंजन संधि, मानी जहां पर च का आगम होता है, जहां पर च का आगम होता है। याद कीजिएगा नियम मैंने बताया था कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और अंतिम पद का प्रथम वर्ण कोई भी मतलब 6 वर्ण होना चाहिए, तो बीच में क्या जुड़ेगा? च जुड़ेगा। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण बताए थे, तरु छाया है, लक्ष्मी छाया है, रदत छेद है, दंत छेद है, मातृ छाया है, पितृ छाया है, आच्छादन है, स्वच्छंद है, बहुत सारे शब्द मैंने आपको बताए थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण नियम जहां पर लोप की बात आई थी, लोप का मतलब है कि दो निर्दिष्ट वर्ण, और दो निर्दिष्ट वर्ण का संधि के क्षेत्र में सदैव आपको अर्थ लेना है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण जब मिलते हैं तो मिलने से प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है वो लोप हो जाता है, मन डिलीट हो जाता है। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण संधि थी, उसका नाम था न लोप व्यंजन संधि। याद कीजिएगा, पक्षीराज, योगीश्वर, योगीराज, युवा, युवर्ग, युवराज
आत्मविश्वास, ब्रह्महंता, मंत्रिमंडल, ये सारे के सारे शब्द मैंने आपको वहां पर सिखाए थे। चलिए मित्रों, अब मैं एक नई बात शुरू करता हूं, ध्यान रखिएगा। ये संधि का परिचय था। हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो संधि है इसके मोटे रूप से तीन भाग किए जा सकते हैं। जब स्वर में विकार होता है तब स्वर संधि, जब व्यंजन में विकार होता है तब व्यंजन संधि, और जब विसर्ग में विकार होता है तब विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार संधि के महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये स्वरों का कुल योग जो है वो 121 प्रकार से होता है, लेकिन मूल स्वर संधि के जो भेद हैं वो पांच हैं। अब वो कौन कौन से भेद हैं हम सभी जानते हैं। एक संधि है जिसको बोलते हैं दीर्घ संधि, एक संधि है जिसका नाम है गुण संधि, एक है वृद्धि संधि, एक है यण संधि, और एक पांचवी है अयादि संधि। संस्कृत में पूर्व रूप और पर रूप ये दो और भी भेद चलते हैं, लेकिन हिंदी की परीक्षाओं में सामान्यतया आरएस तक की आप जाओगे या कोई भी आरपीएससी निकलने वाली परीक्षा में आज तक पूर्व रूप और पर रूप के विषय में नहीं पूछा गया। उदाहरण जरूर वहां से पूछ लेते हैं। स्वर संधि के कुछ 121 जोड़े बनते हैं, मूल रूप से पांच भेद हैं। ये 121 मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 121 होते हैं। इस स्वर संधि के पांच भेद हो गए, मेरे साथ अभ्यास कीजिएगा, लिखते भी जाइएगा। बोलो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और व्यंजन संधि जो है कुछ पुस्तकों में लिखा है 15 भेद होते हैं, कुछ पुस्तकों में लिखा है 18 भेद, इसको बिल्कुल डिलीट कर दीजिएगा। व्यंजन संधि के बारे में हम बात करने वाले हैं। और विसर्ग संधि जो है, विसर्ग संधि में ये ध्यान रखिएगा कि विसर्ग संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होता है, अंतिम पद का प्रथम वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। याद रखिएगा, विसर्ग संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? विसर्ग होगा। और अंतिम पद का जो प्रथम वर्ण है वो स्वर भी हो सकता है और विसर्ग भी हो सकता है। ऐसा करने पर ये जो विसर्ग है, विसर्ग का ओ बन जाता है, विसर्ग का र बनता है, विसर्ग का विसर्ग रहता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का श, श और स बन जाता है। तो ये कितने रूपांतरण हो गए आप खुद ही देख सकते हो। विसर्ग अपने आप को 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसका मतलब हुआ कि 7 प्रकार की विसर्ग संधि हो गई। विसर्ग अपने आप को या तो ओ में बदलता है, जैसे मनह और विकार शब्द क्या बना? मनोविकार, तो ओ में बदला। जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। आशीही और वाद आशीर्वाद बना, मनह कामना विसर्ग का विसर्ग रहा, अतः एव विसर्ग का लोप हो गया। और हरि ही शेते हरिश्चेते श आ गया, और धनु हूं टंकार धनुष टंकार हो गया, और नमः और ते नमस्ते हो गया। तो विसर्ग अपने आप को 7 रूपों में बदलता है। अब देखिएगा, आज हम अभी इस वक्त इसको छोड़ देते हैं और इसको छोड़ देते हैं और वापस वहीं पर आ जाते हैं कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? व्यंजन संधि है। चलिए मित्रों, ये जो वर्ण है व्यंजन संधि, या एक टेबल आप जो है मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, देखिएगा, स्वर लिखिएगा, स्वर व्यंजन, व्यंजन मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, विसर्ग और विसर्ग। ये मैंने कुल मिलाकर के 6 स्थितियां लिखी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन 6 स्थितियों में देखिएगा, स्वर का योग स्वर से हो सकता है। योग कैसे कैसे हो सकता है? स्वर का योग व्यंजन से हो सकता है, व्यंजन का योग स्वर से हो सकता है, या व्यंजन का योग व्यंजन से हो सकता है, विसर्ग का योग स्वर से हो सकता है और विसर्ग का योग व्यंजन से हो सकता है। ये 6 स्थितियां बनती है। हम सभी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, संधि में 2 पद होते हैं और ये 2 पद जो हैं उसमें 2 निर्दिष्ट वर्ण होते हैं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, और बीच में हम सभी जानते हैं कि प्लस मणि धन का निशान होता है। जैसे राम धन अयन, एक तो आयन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, राम धन क्या होगा? बोलो अयन होगा। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर ये 6 स्थितियां बनती है, 6 से 7वीं स्थिति नहीं बनती, ये ध्यान रखिएगा। यदि कोई 7वीं स्थिति बनती है हिंदी व्याकरण में तो वो गलत है, वो झूठी है, ये ध्यान रखिएगा। इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं कि 2 जगह स्वर लिख लें, 2 जगह व्यंजन लिख लें और 1-2 जगह विसर्ग लिख लें, 6 हो गया। इधर एक बार स्वर, एक बार व्यंजन, एक बार स्वर, एक बार व्यंजन, एक बार स्वर और एक बार व्यंजन, मानी कि आप निश्चिंत होकर के यह जान सकते हैं
की संधि में जो स्थितियां बनती हैं वह प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो सकता है और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति हो जाए, यदि ऐसी स्थिति हो कि स्वर के बाद में स्वर आ रहा है, तो यहां पर जो संधि होगी उस संधि का नाम क्या होगा, बोलो, स्वर संधि। मैंने यह बताया कि प्रत्येक स्वर के साथ योग कर सकता है। मेरी चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह किसी पुस्तक विशेष में आपको नहीं मिलेगी, याद रखें। प्रत्येक स्वर का प्रत्येक स्वर के साथ योग हो सकता है, मानी अ का अ के साथ योग हो सकता है, अ का ई के साथ योग हो सकता है, ई बड़ी के साथ योग हो सकता है, ह्रस्व उ दीर्घ उ के साथ योग हो सकता है, और मानी अधन उ और अधन उ, अधन धी हो सकता है, अधन ए हो सकता है, अधन आई हो सकता है, अधन ओ और ए धन औ हो सकता है। तो प्रत्येक स्वर का प्रत्येक स्वर के साथ योग होता है, और कुल स्वर कितने होते हैं, बोलो, 11 कितने होते हैं, और स्वर का स्वर से मिलन जो है वो 11 × 11 बराबर कितना हो गया, 121, और टोटल 121 जो मिलन है उसको हमने मोटे रूप से कितने संधियों में बांट दिया, 5 संधियों में। कितने संधियों में बांट दिया, बात समझ में आ रही है क्या? देखिएगा, फिर से बता देता हूं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होता है स्वर संधि में, स्वर ही होता है, इसको गिन के गांठ मानना है। अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या होगा, स्वर ही होगा, मानी दोनों तरफ की जो स्थितियां बनेगी, कौन सी स्थितियां बताइए, बोलिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। जो बच्चे इस क्लास को सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, या जो है और किसी माध्यम से सुन रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा कि हमें यह ध्यान रखना है कि स्वर की जो स्थितियां हैं वहां स्वर संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होता है और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी क्या होगा, बोलो, स्वर। अब ये स्वर कितने होते हैं कुल, बोलो, 11 होते हैं, और 11 स्वरों में से प्रत्येक स्वर के साथ योग कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल जो जोड़े बनते हैं वो कितने बन गए, 121, कितने बन गए, 11 को 11 से करोगे मल्टीपल तो कितना होता है, 121, और 121 जो जोड़े बन रहे हैं उसको हमने 5 संधियों में बांट दिया, और वो 5 संधियों के नाम मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से बताओ, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसमें से ये ध्यान रखिएगा, चलिए बाद में बात करेंगे इस बारे में, है ना, वापस एक बार यहीं आ जाते हैं। तो स्वर संधि की एक ही स्थिति होती है मित्रों, स्वर संधि की एक ही स्थिति होती है, और वह जो स्थिति है वह क्या है, बोलो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी स्वर होता है, इसके अलावा कोई स्थिति वहां पर नहीं हो सकती। तो स्वर संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर, अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी स्वर, 11 स्वर, 121 कुल जोड़े और 5 संधियां होती है। व्यंजन संधि में सामान्यतया कुछ विद्वान आलस्यवशात या प्रमादवश एक भूल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यदि मैं आप सब लोगों से पूछूं, जितने भी लोग इस कक्षा को सुन रहे हैं, और उन सभी लोगों से मैं पूछूं कि भाई व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है, तो आप सभी लोगों का उत्तर यह होना चाहिए, होगा, मैं जानता हूं कि सर प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होता है, सभी यही बोलने वाले हैं, लेकिन नहीं, ये अर्ध सत्य है मित्रों। व्यंजन संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, और वैसे ही अंतिम पद का प्रथम वर्ण व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, यह हमें ध्यान रखना है। तो ये तीन स्थितियां जो हैं वो किसकी बनती है, बोलो, व्यंजन संधि की बनती है, किसकी बनती है, इसलिए जो यह परिभाषा दी गई कि व्यंजन संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होता है, ये आधा सत्य है आधा झूठ है, हमें यह ध्यान रखना होगा कि व्यंजन संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे देखिएगा, परि और छेद, यहां पर पहला पद क्या है, बोलो, परि है, दूसरा पद क्या है, छेद है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ई है, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है, बोलो, छे है, तो यहां पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो स्वर था और आगे व्यंजन मनी छे है, बात समझ में आई, तो परि और छेद को जोड़ोगे तो कल मैंने बताया था शब्द क्या बनेगा, परिच्छेद, क्या बनेगा, जो पुस्तकों में ये लिखा है ध्यान रखिएगा कि परि के आगे विसर्ग लगा देते हैं, परि और छेद, हिंदुस्तान की व्याकरण में इस प्रकार का कोई भी शब्द नहीं बनता, ये ध्यान रखिएगा, विशेष करके ये बात बिंदु नोट कर लें कि परि, और परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है कि परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा या परिष्कार का क्या होगा, तो परि कर देते हैं जो कि गलत है। इसी तरह से हम जानते हैं एक शब्द है वी और एक शब्द है सम, यहां पर देखिएगा प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई है और इसका योग किससे हो रहा है, स से, और शब्द क्या बनेगा, विषम बनेगा, और विषम में संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि, तो यह कहना कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होता है तभी व्यंजन संधि होगी, यह आधा सत्य आधा झूठ है।
अब देखिएगा, मैंने कहा कि स्वर का योग व्यंजन से ऐसे होता है, फिर मैंने कहा कि व्यंजन का योग व्यंजन से हो सकता है, व्यंजन का योग स्वर से हो सकता है, किससे हो सकता है? जैसे देखिएगा, हमारे पास एक शब्द है दिख और एक शब्द मित्रों क्या है बोलो, अंबर। क्या है बोलो? अंबर। मैं दूसरा नियम आपको बता रहा हूं कि व्यंजन संधि में पहला जो जोड़ा बनता है वो स्वर और व्यंजन का बन सकता है। बात समझ में आ गई? फिर देखिएगा, उसके बाद में देखिएगा, फिर जो है तीसरा कि व्यंजन का योग स्वर से हो सकता है। कैसे? प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? क, जो कि क्या है बोलो, व्यंजन है, और आगे क्या है बोलो, स्वर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यंजन का योग, संयोग, मेल मिलाप, जुड़ाव किससे हो सकता है? स्वर से भी हो सकता है। तो बनेगा क्या? ग बनेगा, और शब्द क्या बनेगा बोलो, दिगंबर। क्या बनेगा? दिगंबर को ऐसे भी लिख सकते हो और अनुस्वार भी लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा। इसके विषय में कल मैं आपको बहुत विस्तार से चर्चा कर चुका हूं कि म का अनुस्वार भी बना सकते हो और म जो है उसका हम पंचम वर्ण भी लिख सकते हैं। अभी एक जोड़ा, तीसरी स्थिति व्यंजन संधि में यह हो सकती है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन। कैसे? जैसे मैंने कहा वाक, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी व्यंजन, वाक और वैभव। तो यहां पर देखिएगा, पहला पद क्या है? सभी लोग बोलो, क है। उसका योग किससे हो रहा है? व से। तो क और व पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये फोर्थ क्लास की या फिफ्थ क्लास की इस क्लास नहीं है, ये महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की कक्षा है। तो हम जानते हैं कि क और व दोनों के दोनों क्या है बोलो, व्यंजन है। क्या है? तो वाक और वैभव मिलेगा तब शब्द क्या बनेगा बोलो, वाग वैभव। क्या बनेगा? तो ये तीनों आपको समझ में आनी चाहिए कि व्यंजन संधि में तीन प्रकार की स्थितियां हो सकती है। बच्चों कौन कौन सी बताओ? स्वर का योग व्यंजन से हो सकता है, व्यंजन का योग स्वर से हो सकता है, और व्यंजन का योग व्यंजन से भी हो सकता है। ये जीवन में कभी आपको भूलना नहीं है। और आपको कोई यह कहे कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन संधि में व्यंजन होता है तो ये आधा सत्य तो है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में पांचवी और छठी जो स्थितियां हैं वो किसकी है बोलो, विसर्ग संधि की। किसकी है बोलो, फटाफट बैठ जाओ बेटा, विसर्ग संधि की है। तो विसर्ग संधि में देखिएगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो सकता है और आगे क्या हो सकता है, स्वर हो सकता है, और प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो विसर्ग ही रहेगा। यहां पर ये सत्य है, देखो दो चीजें ध्यान रखो, स्वर संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर ही होगा, मेरी भाषा पर ध्यान दीजिएगा, ही होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, ही होगा, और विसर्ग संधि में भी प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग ही होगा। लेकिन व्यंजन संधि जो है इसका अपवाद है, व्यंजन संधि में स्वर भी हो सकता है प्रथम पद का अंतिम वर्ण और व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन विसर्ग संधि यदि आपको सीखनी है तो विसर्ग संधि में प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है बच्चों वह हमेशा क्या होगा, विसर्ग ही होगा, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा विसर्ग का योग स्वर से हो सकता है, जैसे मैंने कहा मनः और अनुकूल, बोलो शब्द क्या, देखो विसर्ग आया प्रथम पद के आगे, आगे क्या आ रहा है, अ, जो कि क्या है, स्वर है, और ये शब्द क्या बनेगा, आगे सिखाऊंगा, मनोनुकूल। क्या बनेगा बोलो, और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, मनः धन योग। क्या कह सकता हूं बोलो, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो विसर्ग है लेकिन आगे क्या आया बोलो, व्यंजन आया, तो शब्द क्या बनेगा बोलो, मनोयोग बनेगा। क्या बनेगा? अब आपको यह समझ में आ गया कि संधि में तमाम तरह की जो स्वर व्यंजन और विसर्ग जो संधियां हैं बच्चों उसमें छह प्रकार की स्थितियां बन सकती है। कौन कौन सी मेरे साथ बोलिएगा, स्वर का योग स्वर से हो सकता है, स्वर का योग व्यंजन से हो सकता है, व्यंजन का योग स्वर से हो सकता है, व्यंजन का योग व्यंजन से हो सकता है, विसर्ग का योग स्वर से हो सकता है, विसर्ग का योग व्यंजन से भी हो सकता है। जब स्वर का योग स्वर से होगा तो बोलो कौन सी संधि हुई, स्वर संधि। सवर्णी होता है इसका उच्चारण होता है स्वर संधि। क्या होता है बोलो, स्वर संधि। स पर जोर दीजिएगा, बोलिए मेरे साथ स्वर संधि, बोलो स्वर संधि। तो यहां पर कुल स्वर कितने होते हैं बोलो, 11, और प्रत्येक स्वर के साथ योग कर सकता है, तो 11 को 11 से गुणा करोगे तो कितने जोड़े बने, 121, और 121 जोड़े को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, पांच भागों में। कौन कौन से हैं सब लोग बोलो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हमें ये कसम खा के जाना है कि इस सत्र में हम संधि सीख के जाएं, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर देखिएगा, जो हमारी प्रतिबद्धता है, जो कहते हैं कि जो अच्छा श्रोता होता है जीवन में आगे जाकर के वही अच्छा वक्ता बनता है, तो हमें सुनते वक्त केवल कान से नहीं सुनना है,
हमारा मन मस्तिष्क और तमाम तरह की चित्त वृत्तियां जो हमारी है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, वो सारे के सारे किसके साथ लगे? मन के साथ लगे। ऐसा करते करते आप प्रतिदिन यदि अपना अभ्यास करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप जैसे ही सुनने लगोगे किसी को, आप समाधिस्थ हो जाओगे। और कहते हैं कि जब समाधिस्थ होकर के, जब संसार के जान से विरहित होकर के और व्यक्ति कोई भी श्रवण करता है तो वह विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस बन जाया करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों आगे चलते हैं, देखिएगा ये कुछ इधर उधर हो जाता है, कोई नहीं। अब यहां पर देखिएगा स्वर का योग, स्वर सेवा, फिर ये तीन स्थितियां जो है वो व्यंजन संधि की है और दो स्थितियां जो है वो विसर्ग संधि की है। अब मैं आगे की कहानी इसकी शुरू करता हूं, आप मेरे साथ साथ लिखते भी जाइएगा, ध्यान रखिएगा। बच्चों व्यंजन संधि जो है, व्यंजन संधि में मैंने आपको तीन स्थितियां बताई, कितनी स्थितियां बताई, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी प्रौढ़ बालक हैं और आप राजभाषा की तैयारी कर रहे हैं, और राजभाषा की तैयारी आप अपने भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमें तमाम तरह की जानकारियां भी होनी चाहिए। जो संधि के प्रकरण में यह कहा जाता है कि संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण मिलता है तो अंतिम पद का प्रथम वर्ण बदल जाता है, ये भी आधा सत्य है। कई बार संधि में क्या होता है देखिएगा, ये सत्य है। जैसे मैंने कहा एक शब्द लिया मैंने वाक और एक शब्द लिया मैंने विदग्ध, क्या लिया बोलो? मनी संधि में परिवर्तन कहां कहां पर हो सकते हैं इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। बोलो चर्चा क्या है, चर्चा का विषय क्या है अभी अगले 10 मिनट तक, कि संधि में परिवर्तन कहां कहां पर होता है। बोलो संधि में परिवर्तन कहां कहां पर होता है इस विषय पर हम बात करते हैं। जो यह कहते हैं कि भाई प्रथम पद का अंतिम वर्ण ही बदलता है या अंतिम पद का प्रथम वर्ण बदल रहा है, वो भी आधा सत्य है। देखो लेकिन आधा सत्य कैसे, पहले आधा सत्य की बात करते हैं। मेरे पास एक शब्द है वाक और विदग्ध, क्या है बोलो? वाक और विदग्ध। बच्चों क्या किया मैंने, क का क्या बना दिया घ, और आगे क्या वी का वी रहा, मानी विदग्ध में कोई चेंज नहीं हुआ, और शब्द क्या बना बोलो? वाक विदग्ध। बोलो क्या है? वाक विदग्ध। वाक विदग्ध का मतलब है वाणी से जलाया हुआ या कुशल चतुर प्रयोगता, जो वाणी का कुशल चतुर, जैसे सूरदास के लिए वाग विदग्ध या वाद वाग वैदग्ध, इस प्रकार का शब्द का प्रयोग साहित्यकार करते हैं। तो वाग विदग्ध, अब यहां पर क्या किया बोलो? प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदला, क्या बदला बोलो? प्रथम पद का अंतिम, बोलो हाँ या ना, कैसे बदला? क का ग हो गया, क्या हो गया बोलो? क जो था उसका क्या हो गया? ग हो गया। तो ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदला। अब यहां पर देखिएगा, जैसे मैंने एक शब्द लिया अभी और एक शब्द लिया मैंने सेख, क्या लिया बोलो? अभी और सेख। अब यहां पर अभी मनी प्रथम पद, तो प्रथम पद में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, देखो अभी का अभी रहा। यहां पर जो ये वाक था, वाक क्या बन गया? ये वाक तो जो था वो क्या बन गया बोलो? वाग बन गया। क्या बन गया? हलंत ग को हम ऐसे लिखते हैं। हलंत को कैसे लिखते हैं ये वर्ण विचार में आपने लोगों ने सीखा होगा, नहीं सीखा है तो आगे हम बात करेंगे कभी। तो वाक जो है उसको हमने क्या किया? वाग बना दिया, मनी प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदल गया, बोलो हाँ या ना। यहां पर बोलो शब्द क्या लिखा मैंने? अभिधन शेख। अब इसमें अभी का अभी लिख दिया तो यहां पर कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। और ये जो से जो था उस स का क्या बन गया? ये स दंत्य था और यह स जो है बोलो कौन सा स है? मूर्धन्य है। और ये शब्द क्या बन गया बोलो? अभिषेक। तो इसमें क्या बदला? अंतिम पद का जो से जो था उसका क्या बन गया? शे बन गया। तो इसका मतलब अंतिम पद का पहला वर्ण बदल गया। दोनों स्थितियां समझ में आ गई। संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदलता है, जैसे वाक धन क्या लिखा था मैंने? विदग्ध। तो वाक का क्या बना दिया? वाक बना दिया। यहां पर क्या है बोलो? अभिधन सेक। तो यहां पर अभी पहला पद था उसको मैंने जैसा का जैसे ही रहने दिया, लेकिन सेक जो था उसका मैंने क्या बना दिया बोलो? शेक। कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक शब्द है मेरे पास, लोकप्रिय शब्द ले लेता हूं अभी, राम धन अयन, बोलो क्या है शब्द? क्या बनेगा सब लोग बताओ, बताइए सब लोग। रामायण, क्या बनेगा बोलो? रामायण। क्या क्या चेंज हुआ बच्चों? म में क्या था? अ, अ, अ मिलके क्या बना? आ। तो राम में दोनों का एकादेश हो गया तो शब्द क्या बना? रामा। आगे क्या है बोलो? य। और इसके कारण, इस र के कारण ये न भी बलि चढ़ गया और क्या बन गया? ण बन गया। और शब्द क्या बना? रामायण। क्या बना बोलो? इसमें क्या बदला? प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण दोनों बदले, अ अ मिलके क्या हुआ? आ। लेकिन अंतिम पद का अंतिम वर्ण भी बदल गया। अब यहां पर एक और विशेष बात कि भाई यहां पर देखिएगा, संधि जो है इस संधि के दो भेद होते हैं मुख्यतः। एक तो हम बोलते हैं मुख्य संधि और एक को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं बोलो? गौण संधि। क्या बोलते हैं? एक का नाम क्या है? मुख्य संधि है। और दूसरे का नाम क्या है? गौण संधि है। मुख्य संधि का मतलब क्या है?
जो पहली संधि हो रही है कोई शब्द में, बोलिए, जो पहली संधि हो रही है, जैसे रामायण में दो प्रकार की संधियां, दो प्रकार के विकार हुए, कौन कौन से विकार हुए बोलो। पहला तो क्या किया, अ अ मिलके क्या बना दिया मैंने, आ, पहला विकार हुआ। नाउ नेक्स्ट इज न चेंज टू ण, तो इसका मतलब दूसरा विकार हो गया, कौन सा विकार हुआ, न का क्या बन गया, ण, अ अ का क्या बन गया बोलो, आ, तो दो विकार हुए। अब दो विकार हुए तो आपसे ये पूछ रहे न का ण बनना, बच्चों न का ण बन जाना कौन सी संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का, और अ का आ बन जाना कौन सी संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का। ये तो बात समझ में आ गई आपको, बोलो हाँ या ना। अब आपसे परीक्षक या मैं ही पूछ लेता हूं कि रामायण में कौन सी संधि है, स्वर संधि व्यंजन संधि, बोलो, संधियां दोनों हो रही है तो स्वर संधि करोगे एक व्यंजन संधि करोगे, बताइए, हैं, दोनों विकल्प में स्वर भी है और व्यंजन भी है, क्या करोगे, ये ध्यान रखिएगा। संधि के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक तो मुख्य संधि और दूसरी गौण संधि, बोलो कौन कौन सी, एक तो मुख्य संधि और दूसरी गौण संधि, बोलिए, जब किसी भी, बोलो, शब्द में दो संधियां होती है तो पहली संधि को वरीयता देनी चाहिए। पड़ोस में देखना मना है कि पड़ोस वाला ए भर रहा है कि बी भर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, माइंड और पैरासूट दो चीजें हैं, कौन कौन सी बताओ, एक तो दिमाग और एक दूसरी चीज क्या, पैरासूट, ये दो चीजें ऐसी है जो खुलने से काम करती है। अरे पैरासूट खुला नहीं तो क्या हुआ, सैनिक की मौत हुई कि नहीं, वो बोलो, हाँ या, सैनिक में कौन सा प्रत्यय है, सैनिक में कौन सा प्रत्यय, एक प्रत्यय, मूल शब्द क्या है, सेना, क्या है बोलो, सेना, तो सेना में एक जुड़ा था, क्या बना, सैनिक बोलते हैं हम, बोलना क्या चाहिए बोलो, सैनिक, क्या बोलना चाहिए। तो बच्चों यहां पर देखिए, मैं कह रहा हूं कि माइंड और पैरासूट, तो पैरासूट नहीं खुला तो सैनिक की मृत्यु होगी कि नहीं होगी, या कूदने वाले की मृत्यु होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। और इसी प्रकार माइंड को खोल के नहीं रखोगे, अब माइंड को हथौड़ा लेके नहीं खोलना है, माइंड को खोल के नहीं रखोगे तो माइंड भी काम नहीं करता। मनुष्य को किसी भी नए विचार का स्वागत करना चाहिए, आगे की जो चीज है उसको खाली करते रहना चाहिए, काम की चीजें संरक्षित करनी चाहिए और नई नई चीजें उसमें डालते रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चों यहां पर दो संधि हो गई, एक कौन सी बोलो, मुख्य संधि और दूसरी कौन सी, अब यहां पर मुख्य संधि रामायण में कौन सी संधि है बोलो, स्वर संधि है, लेकिन गौण संधि कौन सी है। यदि प्रश्न यह आ गया कि रामायण शब्द में गौण संधि कौन सी है, तो कौन सी है, व्यंजन, और प्रश्न सीधा आ गया कि कौन सी संधि है या मुख्य संधि कौन सी है, तो कौन सी है बोलो, स्वर संधि। लेकिन एक स्थिति और बनती है, क्या कई बार क्या होता है कि हम बड़े परीक्षा वाले दिन बड़े जल्दबाजी में होते हैं और हमें क्या करते हैं कि हम कोई भी ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन देखते ही तुरंत उसको पकड़ लेते हैं, ले आ जा, बी भर दिया या सी भर दिया। होता क्या है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अब परीक्षक क्या करेगा कि अ में क्या करेगा, देगा स्वर संधि, बी में क्या देगा, व्यंजन संधि, सी में देखेगा दोनों नहीं और डी में देगा दोनों ही है, तो फिर क्या करोगे आप, बोलो कौन सा करोगे, पहले में स्वर संधि, दूसरे में व्यंजन संधि, तीसरे में दोनों ही नहीं और चौथे में स्वर और व्यंजन दोनों है, मानी ए और बी दोनों है, कौन सा करोगे, डी करोगे, क्या करोगे। इसलिए मैंने कहा कि माइंड और पैरासूट तभी काम करते हैं जब दोनों खुल जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो किसी भी शब्द में हमें कौन सी संधि चुननी चाहिए बच्चों, मुख्य संधि। यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि परिवर्तन कहां कहां होता है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में होता है, अंतिम पद के प्रथम वर्ण में होता है, और प्रथम पद के अंतिम वर्ण, अंतिम पद के प्रथम वर्ण के साथ साथ अंतिम पद का अंतिम वर्ण भी परिवर्तित हो जाता है, बोलो यहां तक कोई संदेह है क्या, हाँ या ना। अब देखिएगा एक स्थिति और है, कैसे, जैसे मैंने कहा युधि धन स्थिर बहुत बार पूछा गया है, अब क्या हुआ, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो नहीं बदला, ये जो स था ये स बन गया, स के प्रभाव कारण थ ठ बन गया, ये थिर था तो ये ठिर बन गया, और शब्द क्या बना बोलो, युधिष्ठिर, बोलो क्या बना, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे सारी परिभाषाएं ध्वस्त हो गई, बोलो हाँ या ना। अरे जो परिभाषाएं, जो इसलिए कहते हैं कि अब जिंदगी परिभाषाओं से नहीं चलती, बोलो तो जिंदगी परिभाषाओं से नहीं चलती, परिभाषाओं का क्रियान्वयन कीजिएगा, क्या कीजिएगा, जब हमारी जिंदगी में उन परिभाषाओं की महत्ता स्थापित हो जाए तभी तो हम जीवन जी सकते हैं। परिभाषाएं रटने से नंबर तो आ सकते हैं लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। इसलिए परिभाषा संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण मिलता है तो ये होता है वो होता है, भाई ठीक है, लेकिन माइंड और पैरासूट दोनों ऐसी चीजें हैं जो बोलो कब काम करती है, खुलने से कब करती है। यहां पर आपको क्या मिला, स तो श बना, लेकिन ये देखो अंतिम पद का द्वितीय वर्ण भी बदल गया, बोलो हाँ या ना,
एक स्थिति देखिएगा, जैसे मैंने कहा विधन सन्न, क्या है बोलो, विधन सन्न, क्या लिखा बोलो, विधन सन्न। अब यहां पर देखिएगा व में ई था, ई का ई रहा, ये स जो था ये श बना और इस श के कारण ये ण, लो जी ये पूरा ही बदल गया। तो पूरा पद बदला कि नहीं बदला, तो कहते हैं ना कि संधि में वर्ण बदलते हैं, तो वर्ण कहां, शब्दविद बदल गया, पूरा का पूरा शब्द बदल गया, बोलो हाँ या ना। तो शब्द क्या बना, विषण, क्या बना बोलो, विषण। किसको बोलते हैं, दुखी व्यक्ति को, है ना। तो हमें पहली बार तो दुखी नहीं रहना चाहिए, हंसते हुए बैठना चाहिए, सीधा भी बैठना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। युवा, युव शक्ति जो है उसका तात्पर्य क्या होता है, जोश, क्या होता है बोलो, तो हमारे अंदर जोश है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, चलिए है तो बहुत अच्छी बात है। शब्द क्या बनेगा बोलो, विषण, क्या बनेगा, विषण। ये तमाम स्थितियां मैंने आपको समझा दी मित्रों कि इस प्रकार की स्थितियां हो सकती है, कौन कौन सी बताओ। प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदल सकता है जैसे वाग वैभव, अंतिम पद का प्रथम वर्ण बदल सकता है जैसे अभिषेक, दोनों बदल सकते हैं जैसे रामायण, और अंतिम पद का अंतिम वर्ण बदल सकता है जैसे मैंने उदाहरण दिया रामायण में न करना बन गया। अंतिम पद का दूसरा वर्ण भी बदल सकता है जैसे युधिधन स्थिर, युधिष्ठिर, और पूरा का पूरा पद भी बदल सकता है, बोलो शब्द क्या बनेगा, विषण, क्या बनेगा। तो आप जो है सभी लोग जो सुन रहे हैं वो एक बार फटाफट इसको तुरंत, एक तो मेरे साथ साथ आप जो है प्रयास करें कि लिखते जाइएगा, क्योंकि हमारे कहावत है ना कि सो लिखा सो बका और एक लिखा, सो जने बक जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन लिखी हुई चीज हमेशा काम आती। तो साथ साथ में लिखते जाइएगा, मैं आगे चलता हूं, साथ साथ में लिखते जाइएगा इतना, क्योंकि देखिए हमारे पास समय नहीं है, इतना समय नहीं है। यहां पर मैं आपको इतना बता सकता हूं कि भाई ये महत्वपूर्ण इस तरह की चीजें हैं, आगे देखिएगा आपको बढ़ाना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों मैं शुरू करता हूं। व्यंजन संधि में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, आगम पढ़ा हमने, लोप पढ़ा, विकार पढ़ा, आदेश पढ़ा, एकादेश पढ़ा, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हमने बात करी। अब व्यंजन संधि का एक नियम देखिएगा, व्यंजन संधि के नियम, एक नियम जो है मित्रों वह ये रहा। पहला नियम जो है थोड़ा मैं उसको अलग ढंग से पढ़ाऊंगा आपको, और वो नियम है एक का तीन, बोलो क्या है, एक नियम जो है बड़ा महत्वपूर्ण है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको एक का पांच, और एक नियम है जिसको मैं पढ़ाऊंगा तीन का एक। ये तीन नियम जो है व्यंजन संधि में 50% शब्दों को समाहित करते हैं, बोलो कौन कौन से नियम है मेरे साथ, बोलते जाइए एक बार, अपने आप बोलिए।